जे तू ना फड़दा। अभी संगत को 3 वीक पहले मैं अपने घर से चला गुरुजी की मंदिर आने के लिए, और 278 पे तो मेरी कार एक साइड पे जा रही थी, तो मैं घबराया नहीं है, एक साइड पे जा रही, हो सकता है एक्सल ब्रोक हो गया हो या कुछ ब्रोक हो गया हो। तो मेरी वाइफ कहती है आप मुझ चेक नहीं कराते, वाइफ की आदत है कुछ ना कुछ करना ही। तो मैं 278 से आगे आगे एग्जिट 5 तक मैं आ गया, फिर मेरी कार बहुत नॉइज करने लग पड़ी, तो आई डिडंट हैव फोन विद मी, मेरी वाइफ भी लेके नहीं आई थी। मेरी वाइफ भी बोलने लग पड़ी आप फोन लेके नहीं चलते हो, आपका दिमाग कहाँ रहता है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं गुरु जी के मंदिर में जा रहा हूँ जाने दे। तो एग्जिट 8-7 तक आई मैं ड्राइविंग स्लोली स्लोली, पर मैं उसके बाद ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कार बहुत नॉइज। तो 101 डिग्री टेम्परेचर था, मैं गाड़ी में बैठ गया। कहते मैंने वो कह मेरी वाइफ कहते घर कैसे जाएंगे, मैंने गुरु जी के मंदिर तो जाने थे पहले, घर तो बाद में जाएंगे। कहते कैसे जाएंगे गाड़ी तो खराब है। नहीं गुरु जी के मंदिर भी जाऊंगा घर भी जाऊंगा, तो चुप रहा है सारा काम में दर्द कर दिया मेरा, फोन नहीं लेके आया फोन नहीं करके आया। मैंने कहा यार तो तुझे उतार दूंगा, फिर वो चुप हो। धीरे धीरे फिर मैंने सोचा गुरु जी कुछ तो चमत्कार करो, 15 मिनट जाएंगे मंदिर जाने में, मैं कोशिश करता हूँ मंदिर सही टाइम पे पहुंचू। इतनी देर 5 मिनट में स्टेज ऊपर आया, कहता बैठा कर। मैं कहा मेरी कार नॉइज कर रही है। कहता अच्छा, कहता आई डू समथिंग फॉर यू। मैंने कहा ओके, वो गाड़ी के नीचे चढ़ गया स्टेज ऊपर। तो कहता तेरा टायर फट गया। कहता यू नो यू हैव अनदर टायर। मैंने कहा आई डोंट नो आई हैव आई थिंक। कहता यू हैव अ चेंज द टायर। मैंने कहा नो आई नेवर चेंज द टायर। वैसे भी 101 डिग्री टेम्परेचर मेरा टायर मेरा पसीना निकल जाए टायर का। तो कहता आई डू समथिंग फॉर यू। 5 मिनट बाद वो गपिंग गाड़ी में गया, फिर आया दोबारा। कहता आई हैव समबडी कमिंग टू फिक्स योर टायर। मैंने कहा ओके। 15 मिनट बाद अभी मंदिर खुलने में 7 मिनट थे, तो वो आया वहाँ, वो आया ट्रक लेके, उसने मेरा टायर चेंज किया, हवा भरी सब के 3-4 मिनट एकदम मंदिर पहुंचने में। वो मैंने उससे पूछा हाउ मच इज इट, कहते हैव ए नाइस डे यू नॉट वेयर नथिंग। जय गुरु जी। एक और सुनाता हूँ, मेरी लड़की बहुत बिगड़ी हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने उसको कहा यू हैव टू डू समथिंग, वो मेरी सुनती नहीं है। तो उसने मेरी उसको एक कार लेके दी हुई है, वो कार किसी और को ड्राइव करने के लिए दे दी उसने, उसके पास लाइसेंस नहीं था। उसको टिकट मिल गई और नूगर में टिकट मिली, और टिकट की $180 की टिकट थी। तो मेरी कोर्ट डेट थी, आई हैड टू गो कोर्ट बिकॉज मैं मेरे नाम पे कार थी। तो आई वेंट टू कोर्ट, सारे वहाँ ताले बैठे हुए थे, मैं इंजीनियर बैठा हुआ था। तो मैंने गुरु जी का लॉकेट रखा हुआ, मैंने ऐसा पकड़ के बैठ गया। मैंने गुरु जी यू हैव टू डू समथिंग, मेरे बच की तो आया नहीं। कहते ओके। तो वो प्रोसिक्यूटर ने मुझे बुलाया, कहता मिस्टर भूपेंद्र कुमार, कहते कम ओवर। मैंने कहा ओके। कहता व्हाट हैपन। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरी वाइफ मेरी लड़की ने चाबी उसको दे दीजिए कल देते। कहते ओके हैव इट चीट। 7 मिनट बाद जज का मैसेज आया, जज कहता ओके कम ओवर। मैं गया, कहता यू केस डिसमिस यू कैन गो होम हैव अ नाइस डे थैंक यू। जय गुरु जी।